हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा तरफ से प्यारा भरा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है MT Tuk Tuki। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है MT Tuk Tuki। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्पन L380 प्रिंटर से जो प्रिंट कैसे निकाले, वो भी हैंडटॉट मोबाइल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे भी एक पिछले वीडियो है स्पन L380 प्रिंटर से कैसे प्रिंट निकाले हैंडटॉट मोबाइल से। अभी वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर उस वीडियो भी देखे, ठीक है। और उस वीडियो में ऐसे मुझे कंप्लेन आया कि कमेंट में आए, ठीक है सर, मुझे क्या क्या कंप्लेन आया मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे परेशान हो गया है कि जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं प्रिंट शेयर, ठीक है, जो फ्री वाला वर्जन, तो क्या होता है उसमें कोई के प्रिंटर का जो मॉडल रहता है वहाँ पे सेट करके रखता है, ठीक है, उस प्रिंटर मॉडल से ही प्रिंट निकल सकता है। और जिसका प्रिंटर जो प्रिंट शेयर से अवेलेबल नहीं है मॉडल नंबर, उसके प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलता है। तो आपको प्रिंट शेयर से जिसका मॉडल नंबर नहीं है और प्रिंट शेयर में आप कैसे प्रिंट निकालोगे, उस वीडियो में आज बताने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक बात ज़रूर सुनना, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, कोई भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी स्किप करोगे तो कोई मिस्टेक हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और मेरा चैनल का प्यारा भरा दिल से एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो और एक बात है फ्रेंड्स, तो जो कमेंट आए थे जो प्रिंट शेयर के हिसाब से जो कमेंट आए थे, तो बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे मुझे, ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रिंट शेयर से जो बाय करना पड़ता है 240 रुपया, 260 रुपये, कितना बाय करना पड़ता है, प्रिंट भी नहीं होता है, ठीक है। तो आज मैं एक बोनस पॉइंट आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, जरूर वो बोनस पॉइंट जरूर सुनना, ठीक है फ्रेंड्स, जरूर जाके इस बोनस पॉइंट को सुनना। और बोनस पॉइंट क्या है, ठीक है, उसी से आपको फ़ायदा भी हो सकता है इस बोनस पॉइंट से, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मेरे वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो मेरा प्रिंटर है, ठीक है फ्रेंड्स, एस्पन L380, ठीक है फ्रेंड्स, एस्पन L380 का है। तो फ्रेंड देखिए, ये वाला USB कोड है, ठीक है, OTG है, आपको दिखा दे रहा हूँ, एक कनेक्टेड हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जाकर ऐसे ऐसे कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए हैं मेरे इस वीडियो पे, जो पहले एक वीडियो बनाए थे स्पन L380 प्रिंटर से, ठीक है, ऐसे कमेंट भी आए थे सर, ऐसे बोलते थे कमेंट में, सर ये जो OTG है एक कहाँ कितना पड़ता है बाय करने से, कितना, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे कुछ OTG में ऐसे खास कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो आप जो भी OTG आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये OTG मुझे पड़ा था 80 रुपये, कितना बाय करना पड़ा था, और ये वाला सिर्फ ये वाला OTG है, देखिए 20 रुपया 10 रुपये मिलता है मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स, 20 रुपया या 10 रुपया मिलता है। मुझे तो लगता है इससे बेटर ए OTG अच्छा काम करता है मेरे को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आज इसकी OTG से हम काम चलाएंगे, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो चलो हम मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं, ये वाला थोड़ा ये हो रहा है, तो क्या करें, यहाँ से हम मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको ले चलते हैं सेटिंग से, ठीक है, सेटिंग में पहले जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने, जो एडिशनल सेटिंग है यहाँ पे आके जो OTG कनेक्शन है ना, वो OTG कनेक्शन को ऑन कर देना है, ठीक है, मैं पहले से ऑन है तो ऑन ही करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऑफ होने से ऐसा होता है, ऑन करने से ग्रीन कलर का ये मिलता है। तो ठीक है, उसके बाद चलते हैं, प्रिंटर भी ऑन है मेरा, ठीक है, देखिए प्रिंटर भी ऑन है, ठीक है, थोड़ा धूप पड़ रहा है तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जो प्रिंट शेयर की ऐप में, ठीक है, जो प्रिंट शेयर का देखिए ये वाला, तो मोबाइल प्रिंटिंग सॉल्यूशन, जो कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड, आप कंटिन्यू पे ऐसे देखेगा,
क्लिक करने के बाद आपको एक इमेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट्स जो भी हो, एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे। चलो जो गुड मॉर्निंग का जो फूल दिख रहा है आपको थ्री कलर का, उसको हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर। तो साइज़ ऐसा ही है, हम साइज़ सेट कर देते हैं, पिक्चर साइज़ ठीक है हम फिट टू पेज कर देते हैं। उसके बाद पिक्चर इसका लिंक का क्या है, ये हमको इनसाइड कर देते हैं। जो क्रॉपिंग करते हैं ना तो साइड साइज में कट के आता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रॉप नॉट करें, इनसाइड कर दिए, ठीक है। इनसाइड करने से बढ़िया दिखेगा पूरा, देखिए फुल आ गया है। उसका पिक्चर एलिंग ना क्या बोलते हैं इसको भी, इसका आप टॉप भी लिख सकते हो, सेंटर में भी लिख सकते हो, टॉप लेफ्ट, आपकी मर्जी से कहाँ कैसे सेट करना है आपके हिसाब से सेट करके बिठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सेंटर पे ही रख देते हैं, ठीक है, सेंटर में आ गया है। उसके बाद जाते हैं पेज मार्जिन पे, ठीक है, आप नॉर्मल है स्मॉल है, हाँ मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पेज ओरिन जेंटा में, क्या बोलते हैं मुझे मन नहीं आता है, आप ऑटो पे रख सकते हो, और जो लेंस का पोर्ट्रेट क्या क्या बोलते हैं सब कुछ यहाँ पे आपके मर्जी से सब करके सेट कर देना, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यूएसबी डायरेक्ट यूएसबी कनेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे टिक करके यहाँ से अलाउ पे क्लिक कर देना है। सॉरी फ्रेंड, करंट चल गया है, करंट आने से आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। करंट चला गया है, इस बोर्ड में भी देख सकते हैं करंट नहीं है, ठीक है, मैं पूछ कर देता हूँ, करंट आने से आपको फिर से दिखाऊंगा। तो फ्रंट लाइन आ गया, हम डायरेक्ट स्कैन फॉर प्रिंटर पर नहीं, स्कैन फॉर प्रिंटर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा यूएसबी कनेक्टर के लिए अलाउ करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस्पन L3 प्रिंटर का ये करना है। अब यहाँ से देखो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, तो सिलेक्ट मैनुअली, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हो आप, मुझे पता है, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, हम एस्पन L3 पे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एस्पन के जितने सारे मॉडल है यहाँ पे अवेलेबल है, मगर कोई कैसे मॉडल है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले से बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए जो एस्पन L3 का है ना, वो अवल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, वो कहाँ से भी नहीं है, और जितना भी मॉडल है आप यहाँ से, मगर आपका प्रिंटर कोई भी मॉडल का यहाँ पे है शो कर रहा है, तो आप प्रिंट यहाँ से भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो मान के चलो मेरा, मान के चलो ये वाला मेरा L380 का प्रिंटर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पे एक डाउनलोडिंग के लिए एक 4 MB का एक डाउनलोडिंग करेगा, मैंने जो ड्राइव भी बोलते हैं ड्राइवर जो, ठीक है, ड्राइवर पैक नाउ, ठीक है, डाउनलोडिंग करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, L380 प्रिंटर का, इसलिए हम यहाँ से स्कैन टू प्रिंट करके जो यूज जेनेरिक है, ठीक है फ्रेंड, वहाँ से आप क्लिक करना है, ठीक है, जो साइड में दिखा रहा है आपको यूज जेनेरिक, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा नेट ऑन नहीं है, ऑन कर दे रहे हैं हम, ऑन करने के बाद नेट ऑन हो गया, यहाँ पे हम डाउनलोडिंग करेंगे, ठीक है, जो 4 MB का है ड्राइवर, तो डाउनलोडिंग हो जाएगा अभी। पहले आपको डाउनलोडिंग करना है नेट से थोड़ा कुछ समय के लिए, बाद में प्रिंट होगा, ठीक है फ्रेंड, बाद में प्रिंट करोगे तो बाद में डाउनलोडिंग नहीं मांगेगा, ठीक है। ये एक बार ही डाउनलोडिंग करना है, जो न्यू प्रिंटर यूज करते हो, जो शेयर प्रिंटर यूज करते हो, एक बार ही करना है। तो मेरा हो रहा है 50% हो गया है, तो डाउनलोडिंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद डायरेक्ट ऐसे ही चले आता है, देखिए, ठीक है, यहाँ से हम पिक्चर साइज लेते हैं, पेपर साइज जो पहले साइज दिखाए थे हम, ये साइज, ठीक है, ठीक है सब साइज। और यहाँ पे अरे एक ऑप्शन आया प्रिंट आउट मोड, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, आप प्रिंट कैसे करना चाहते हो, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जितना भी नीचे का है, ठीक है, वो हाई क्वालिटी में आता है, ठीक है, सबसे अच्छा फोटो प्रिंट होकर आता है, ठीक है। हम अभी के लिए, फिलहाल के लिए अभी हम
नॉर्मल में रखते हैं क्योंकि प्रिंट भी फटाफट हो और आपको भी समय भी कम हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करने से यहाँ पे आप करेक्शन ऑप्शन आया है, अब जितना कॉपी करने चाहते हो इतना कॉपी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ फिलहाल के लिए मैं एक ही कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ पे पेजेस, ठीक है, यहाँ पे रेंज कितना करना चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आता है। तो हम फिलहाल के लिए हम एक ही कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, सेंडिंग पेज हो गया है। ठीक है, हम आपको कैमरा से ले दिखाते हैं। फोटो देखिए, वो गुड मॉर्निंग वाला फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव भी देख सकते हो, प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, हाँ फ्रेंड, मैं पहले से मैं आपको एक बात बोले थे जो बोनस पॉइंट क्या है। ठीक है, वो बोनस पॉइंट ये है कि जो प्रिंट शेयर जो ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फ्री है, कोई चार्ज पार्ज नहीं लगेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरा बोनस पॉइंट था। फोटो कैसा है देखिए फ्रेंड्स, बोला नॉर्मल ही है। देखिए, मैं हाई क्वालिटी फ़ोटो में एक करता तो कितना अच्छा सुंदर आता। ठीक है, मान लिए नॉर्मल ही है, ठीक है, कितना सुंदर आया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड,